और जब दीपावली का पावन अवसर है, दीपावली का अद्भुत अवसर है, परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याणक है, और ऐसे परमात्मा महावीर जिन्होंने जीवन के इतने अद्भुत संदेश दिए, कहा जाता है कि संसार में अनेक फिलोसोफर हो गए, अनेक ज्ञानी हो गए, लेकिन परमात्मा महावीर ने जो तत्व ज्ञान संसार को दिया, परमात्मा महावीर ने जो कर्मवाद संसार को दिया, परमात्मा महावीर ने जो अहिंसा की बात संसार को करी, परमात्मा महावीर ने जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा की बात संसार को करी, इतनी सूक्ष्म बात संसार में कोई तत्व ज्ञानी नहीं कर पाया। आज संसार महात्मा गांधी की अहिंसा को जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महात्मा गांधी के भीतर अहिंसा के पाठ किसने सिखाए, श्रीमद् राजचंद्र जी ने सिखाए, और श्रीमद् राजचंद्र जी के भीतर अहिंसा के भाव किसने जगाए, परमात्मा महावीर के वचनों ने जगाए। तो संसार में जितनी भी अहिंसा की बात आज आप सुनते हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला करते हो, चाहे वो मदर टेरेसा करते हो, चाहे महात्मा गांधी करते हो, चाहे श्रीमद् राजचंद्र करते हो, लेकिन पिछले 2500 साल से संसार को अहिंसा का सूत्र यदि किसने दिया तो किसने दिया, परमात्मा महावीर ने दिया। कर्मवाद की बात संसार में, कर्म हर फिलोसॉफी में, हर धर्म में है, लेकिन आप मेरे सामने संसार का एक धर्म ऐसा ला करके रख दो जहां कर्म के इतने सारे भेद है, इतने सारे प्रकार है, इतने सारे अलग 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 पार्टीशन है, ये काम करो तो आपको ये कर्म का बंध होता है, आप ये करते हो तो ये कर्म का बंध होता है। एक धर्म में इतनी डिटेलेशन नहीं है, कर्म के 8 प्रकार किसी के पास नहीं है, मात्र जैन धर्म के पास है। अलग अलग कर्म प्रकृतियां, एक एक कर्म के भीतर उसके पेटा भेद, एक एक कर्म के भीतर उसके सूक्ष्म वे, ये जैन धर्म के पास है, संसार में और किसी के पास नहीं है, और परमात्मा महावीर का यह अद्भुत तत्व ज्ञान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समझिएगा, परमात्मा महावीर एक अद्भुत युग पुरुष थे, एक अद्भुत महापुरुष थे, एक जबरदस्त तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा जिनके लिए पूरा विश्व एक समान था। उन्होंने न कभी भेदभाव की बात करी, न कभी वर्णवाद की बात करी, न कभी जातिवाद की बात करी, परमात्मा ने एक ही बात करी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि समझ लीजिएगा, आपको शायद पता हो, मैंने सुबह सुबह अखबार में पढ़ा कि कल भारत पाकिस्तान की मैच थी, और उसमें है भारत जीत गया। मैं पढ़ रहा था उसमें कि लास्ट ओवर में हालात ये थे कि भारत नहीं जीत सकता। मैं परमात्मा महावीर के संदेश के साथ तो इसको जोड़ना चाहता हूं, समझिएगा, लास्ट ओवर में हालात ये थे कि शायद भारत नहीं जीत सकता, लेकिन एक बॉल ने पूरी मैच बदल दी। और परमात्मा महावीर का यही संदेश है कि यदि क्रिकेट में एक बॉल पूरी मैच बदल सकता है तो जीवन में एक पल पूरा आपका जीवन बदल सकता है। परमात्मा महावीर ने यही संदेश दिया कि यदि क्रिकेट ये कहता है कि एक बॉल भी बाकी है, तब भी विश्वास मत हारो, तब भी हार मत मानो, हम निश्चित तौर पर जीत सकते हैं, तो परमात्मा महावीर ने यही संदेश दिया कि जीवन का एक पल भी आपके जीवन को बदल देगा। एक पल काफी, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जीत के लिए एक बॉल काफी है, तो जीवन में जीत के लिए एक पल काफी है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने बार बार समय की बात करी कि समय को संभाल लो, क्योंकि जिसने पल को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया, जिसने समय को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। परमात्मा महावीर ने बार बार यह दोहराया कि समयम गोयम माप माया, एक समय का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि परमात्मा का यह दिव्य संदेश था, जिसने पल को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया, और जीवन में जीतने के लिए एक पल काफी है। एक बॉल पूरे परिणाम को बदल सकता, जो हार की कगार पर थे वो जीत के मार्ग पर पहुंच गए। यही तो हमारा जीवन है, यही तो परमात्मा महावीर का संदेश है, यही तो परमात्मा महावीर का बोध पाठ है कि समझिएगा, एक पल चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। मन को परिवर्तित करने के लिए, मन को बदलने के लिए एक छोटा सा निमित्त कहीं से मिल जाए, आदमी का जीवन बदल जाए। स्थूली भद्र जी, शाली भद्र जी, धन्ना अणगार, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनको एक पल लगी जीवन को बदलने में, ज्यादा समय नहीं लगा, एक पल
उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, अपने जीवन को बदल लिया। और इसीलिए परमात्मा महावीर का एक दिव्य संदेश है कि समझ लीजिएगा, एक पल आपके जीवन को बदल सकता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि समझो, हमेशा आशावान रहो, हमेशा ऊर्जावान रहो। परमात्मा ने बोध दिया, संदेश दिया कि जीवन में हर हमेशा आशावान बने रहे, हर हमेशा ऊर्जावान बने रहे। और साथ में परमात्मा ने यह भी कहा कि हमेशा सकारात्मक रहे और हमेशा सतर्क रहे। का आशावान ऊर्जावान बनना भी जरूरी है तो सकारात्मक और सतर्क बनना भी जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने बार 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 अपनी अंतिम देशता में यही दोहराया कि जीवन का एक पल आपके जीवन को बदल देगा। आपने अनुभव किया होगा, हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, एक पल लगती है बोलने में, ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो एक शब्द सामने वाले के दिमाग में हमारी भूमिका बदल देता है। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, लेकिन वो एक शब्द सामने वाले के दिमाग में हमारी भूमिका को परिवर्तित कर देता है। हमारा एक गलत व्यवहार सामने वाले के हृदय में भाव बदल देता है। एक हजार अनेकों साल से जो स्वजन बने हुए हैं, वो एक गलत व्यवहार से हमारे साथ का संबंध बिगड़ जाता है। एक पल बड़ी महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने कहा पल को संभाल, पल जिसने संभाल लिया उसने जीवन संभाल लिया, उसने सब कुछ संभाल लिया। और परमात्मा ने इसलिए बार बार दोहराया कि एक पल आपके जीवन को बदल सकती है। यदि एक बॉल जीत ला सकता है तो एक पल हमारे जीवन को भी जिता सकती है। हमें जीतना है, हमें निश्चित तौर पर जीतना है, जीत के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। और परमात्मा ने निर्वाण से पहले संदेश दिया कि मैं तो जीवन को जीत के निकल रहा हूं, लेकिन आप सभी को बता रहा हूं, जीवन हारना नहीं, जीवन जीत करके जाना। और किसी को संतोष होना हो, लेकिन हमें खुद को संतोष हो कि जीवन में कुछ किया, अच्छे कर्म किए, अच्छे विचार लाए। एक पल का गलत विचार आपको दुर्गति में फेंक सकता है, एक पल का अच्छा विचार आपको सद्गति की ओर प्रयाण करवा सकता है, एक पल का खराब व्यवहार आपको सभी लोगों के बीच में निंदा पात्र बना सकता है, तो एक पल का अच्छा कर्म आपको हजारों लोगों के बीच में सम्मान पात्र बना सकता है। पल की ताकत है, समय की ताकत है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, परमात्मा का दिव्य संदेश दिमाग में हर हमेशा बिठा करके रखिए कि जिस तरह से क्रिकेट में एक बॉल मैच को परिवर्तित कर देता है, जिता सकता है भारत को, तो हमारा एक पल हमारे जीवन को भी हम जिता सकते। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।